हेलो, मोस्ट वेलकम फ्रॉम डिजर्ट ब्राइट चैनल। टॉपिक है राय डायनास्टी सिंध। डायनास्टी के हिसाब से मैंने बहुत कुछ पहले लिखा है, लेकिन ये भी डायनास्टी एंशिएंट पीरियड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट पॉइंट जो मैंने जिक्र किया, स्टार्टेड 489 में, 489 में स्टार्ट हुई और 627 में एंड हुई। मैंने इख्तिताम हुआ इस डायनास्टी का। और ये डायनेस्टी बुद्धिस्ट किंगडम से इसका ताल्लुक था। और इससे जो पहले डायनेस्टी नहीं, मतलब जो पहले पीरियड था वो ससानियन पीरियड था। और बिकॉज ऑफ इन्वेजन ऑफ हेप्थालाइट वाइट हन, और ससानियन पीरियड को जिसने ख़त्म किया वो वाइट हन जो चाइनीज़ थे, इसने जो है ससानियन जो एम्पायर को इसने ख़त्म किया और सक्सीडेड। इसके बाद जो डायनास्टी आई थी वो ब्रह्मन डायनास्टी और सिंध में आई थी। और सोर्स जो है इस डायनास्टी के जो है वो चचनामा जो है इसके बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। और क्योंकि जो है ये फेमस बुक है इस डायनास्टी के हिसाब से। और इसके जो रूलर्स फेमस रूलर थे, राय देवाजी, राय साहिरास और राय साहसी जो है इसके फेमस रूलर थे। बहुत ज़्यादा रूलर्स इस टाइम के थे, लेकिन बुक्स जो है चचनामा जो बुक्स है कि फेमस मीन्स इम्पोर्टेंट सोर्स जो था राय डायनेस्टी का। और उसने जो है थ्री रूलर्स को उसने मेंशन किए, दी थ्री वर मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये हुआ राय डायनेस्टी और कब स्टार्ट हुई और कैसे इसका एंड हुआ और उसकी मेन पॉइंट्स याद रखें कि राय डायनेस्टी से पहले जो पीरियड था वो ससानियन का पीरियड था। और इसके बाद ब्रह्मन डायनेस्टी आई, ब्रह्मन डायनेस्टी के बाद हबारी डायनेस्टी और हबारी डायनेस्टी के बाद जो है सुमरा डायनेस्टी आई। सुमरा जो लोकल लोकल रूलर्स थे और उसने जो है बहुत कुछ सिंध की लिटरेचर के हिसाब से और सिंध की डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत कुछ कायम किया। लेकिन ज़्यादा बुक्स जो लिखते हैं सुमरा डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी जो है किसी इंटरव्यू या किसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये राय डायनेस्टी और हब्बारी डायनेस्टी, ब्रह्मन डायनेस्टी, ये डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट राय डायनेस्टी।